उड़ जा काले का तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। सर 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 क्या बात है सर? सर आप गाने क्यों गाते हो? अरे कुछ नहीं यार, बचपन से गाने का गुनगुनाने का शौक है और कुछ नहीं है। ठीक है, शायद आप लोगों को भी, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको रिफ्रेशमेंट लगता है। ठीक है, ओके 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 सर, समझ रहे हैं समझ रहे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे बोलते हैं सर क्या बात है सर। अरे तो ये भी मत बोलो कि सिर्फ रिफ्रेशमेंट के लिए होता है। ओके ओके, क्योंकि एक टीचर होता है ना, उसके सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उसको, सिर्फ पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में घुस रहा है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। मेरा आप तो पढ़ा रहे हो लेकिन सामने वाले के दिमाग में घुस नहीं रहा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक टीचर को करना पड़ता है, ताकि सामने वाले का स्टैमिना भी बना रहे। बराबर, एक ही चीज़ अगर लगातार आप करते हो तो कोई भी चीज़ बोर हो जाता है। बराबर, इंटरेस्टेड चीज़ भी हो तो बार बार वही करोगे तो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो सारी चीज़ें अगर थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हो तो फिर से मज़ा आता है सारी चीज़ें, इसलिए बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बस क्या सर समझ रहे हम? लेकिन सर इस वाले सवाल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पिछले सवाल के जैसा ही दिख रहा है, तो आपने ये सवाल लिया क्यों? क्योंकि ये वाला सवाल हम कर चुके हैं, ऐसा ही सेम सवाल, यहाँ पर ऐसे डेटा दिया था और यहाँ पर ऐसे दिया था, क्या फर्क है सर? ध्यान से देखना, पिछली बार मैंने हिंट दिया था, अभी पूरा बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पिछली बार का डेटा कैसा था? पिछली बार का डेटा ऐसा था, यहां पर लिखता हूं मैं, ऐसा था 10 से 20 और 20 से 30, मतलब ये वाला नंबर जो था आगे वही नंबर था, मतलब बीच में गैप नहीं था। लेकिन यहां पर देख, यहां पर क्या है, 10 से 19 है और यहां पर 20 है, मतलब गैप है बीच में, 19 और 20 के बीच में वो डेटा कहां गया? मतलब डिसकंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस नहीं है। बराबर, अच्छा अच्छा, हमें इधर भी देख 29 यहां पर 30 और 29 और बीच का कहां है फिर? तो इसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस डेटा। लेकिन यहां पर ऐसा था क्या? 20 से एंड हुआ तो आगे 20 से ही स्टार्ट हुआ, तो बीच में क्या नहीं था, उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो ये 4 मार्क का प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, ये 4 मार्क के लिए आया है, मतलब कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो होगा, पिछले जैसा इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जरूर जरूर, समझ गए हो आप लोग, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? ये जो डिसकंटिन्यूअस डेटा है उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। अच्छा, क्या हम कर सकते हैं कंटिन्यूअस? क्यों नहीं, कैसे सर? अरे वही तो बताने आया हूं, रुक जरा रुक, तो थोड़ा सबर कर, वही बताऊंगा मैं तुझे, क्योंकि वही है इस प्रॉब्लम में, वही एक चीज अलग है, बाकी कुछ बाकी सब सेम है। ओके ओके, तो कैसे करेंगे डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यू? सबसे पहले ये जो है मैं फिर से निकालूंगा। कैसे निकालेंगे सर? क्यों निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इससे अच्छा क्यों निकालेंगे? क्योंकि मुझे इसको कंटिन्यूअस करके लिखना है। कैसे करेंगे कंटिन्यूअस सर? बताता हूं मैं यहां पर रफली बताता हूं मैं तुझे। क्या है यहां पर देख, 10 से 19 है और आगे क्या है, 20 से 29 है। तो ये दो नंबर्स में कितना गैप है? एक का गैप है, 19 और 20 गैप कितना है? एक का गैप है। सर गैप हमें पता नहीं होगा तो 20 और 19 का गैप, अरे क्या रे यार, तुम 20 और 19 का गैप कैसे करेंगे? 20 माइनस 19 करो ना, 20 माइनस 19 तो गैप पता चलेगा। हो सकता है यहां पर 20 हो, यहां पर 25, तो माइनस करो, गैप कितने का है पता चलेगा। और जो भी गैप है, कितने का गैप है यहां पर, कितने का गैप है, कितने का गैप है? एक का गैप है, तो एक का गैप है ना, तो आधा इसको दो आधा उसको दो, मतलब क्या सर? समझ में नहीं आ रहा। तो ये 19 है ना, 19 को एक में, एक का आधा कितना होता है? एक का आधा कैलकुलेटर में कैसे करेंगे? 1/2, किसी का भी आधा करना है तो डिवाइड बाय 2 करना, तो कितना आएगा ये 0.5। तो वो 0.5 जो है वो इसमें भी जोड़ो, इसमें 0.5 जोड़ो और इसमें 0.5 कम करो, उससे क्या होगा सर?
आधा इसमें जोड़ो, अच्छा 19 में 0.5 जोड़ा तो कितना आएगा 19.5, मतलब 19 प्लस 0.5 कैलकुलेटर में करेंगे तो 19.5 आता है। और इसमें से यहां पर जितना प्लस किया उतना इसमें माइनस करो, अच्छा 20 माइनस 0.5 भी 19.5 ही आता है, अच्छा तो ये भी 19.5 आया बराबर। तो पहले में माइनस करना दूसरे में प्लस करना, पहले में हमने क्या किया माइनस किया इसमें प्लस किया तो 29.5 हो गया, इधर भी वही करना है। पहला पहला कौन है 10, 10 में से 0.5 माइनस किया और 0.5 माइनस किया 0.5 प्लस किया, 0.5 माइनस किया 0.5 प्लस किया, और 0.5 ही क्यों सर, क्योंकि इसका आधा जितना गैप होता है उसका आधा 0.5, अगर गैप अगर 10 का होता तो मैं कितना 5, इसका आधा कितना होगा 5, 5 यहां पे 5 यहां पे प्लस, 5 यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे ऐसे करता मैं। ओके अब समझ गए सर आप कहना क्या चाहते हो, अब ये तो बहुत आसान है सर बराबर, ये तो बहुत ज्यादा आसान है सर, अब हम समझ गए करना क्या, तो क्या बन जाएगा कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अब इसको करते हैं, कितना गैप है 20 और 19 में गैप कितना है एक है, 20 माइनस 19 गैप, हर एक में देखो कितना गैप है, ये दोनों में एक का गैप है, कितना गैप है एक का गैप है, हर एक में सेम ही गैप होगा सर, हर इसमें तो एक का गैप और इसमें दो का गैप होगा ऐसा नहीं होगा, हर एक में सेम गैप होगा वैसा डेटा नहीं आएगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो क्या होगा यहां पर एक का गैप, सब में एक का गैप है तो मैं क्या करेंगे एक का गैप है ना तो एक का आधा कितना होता है 0.5, तो पहले में 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 माइनस 0.5 प्लस, 0.5 इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें माइनस इसमें प्लस, करते रहो कैलकुलेटर में करो अगर नहीं आता है तो 0.5 बराबर, तो मैं कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मॉडिफाइड डेटा क्या होगा हमारा, फिर से मैं निकालता हूँ यहाँ पर, फिर से हमें वो करके निकालना पड़ेगा, आंसर में भी यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है, फिर से आपको ये आंसर लिखते हो फिर से आपको कंपलसरी ये टेबल निकालना पड़ेगा क्योंकि हम चेंज करके डेटा कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें क्लास इंटरवल, पहले में माइनस मैं यहां पर लिखूंगा 10 माइनस, कितना माइनस करना है गैप एक का है तो एक का हाफ कितना होता है 0.5, 10 माइनस 0.5 आया मेरा 9.5, ओके तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर 9.5, पहले में माइनस दूसरे में प्लस करना है ना, ओके 19 प्लस 0.5, कैलकुलेटर में कर रहा हूं मैं, मुझे आता है लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा 19.5 सर, सब में ऐसा करना है, हाँ सब में ऐसा करना है, ओके तो करो 20 पहले में माइनस दूसरे में प्लस, पहले में माइनस पॉइंट है यहां पर पॉइंट, दूसरे में प्लस, पहले में माइनस कितना माइनस 0.5, दूसरे में प्लस, पहले में माइनस, दूसरे में 59 पॉइंट कितना होगा ये 59.5, ओके ओके ये नीचे का, नीचे का हम लिखेंगे जरूर, हमें पता है वो हम यूज नहीं होगा उसका लेकिन हम लिखेंगे जरूर, ओके। अब सर हुआ क्या, ये सब किया क्यों और हुआ क्या, क्योंकि जब रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है तब ये जरूरी होता है कि आपका डेटा कॉन्टिन्यूस हो, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं दिया है सवाल में तो आपको करके लेना पड़ेगा, और कैसे करना जो वो अभी देखा, और इससे हुआ क्या कॉन्टिन्यूस हुआ क्या सर, सच में देखो ना हुआ कि नहीं समझ, सामने दिख रहा है कॉन्टिन्यूस किसको बोलते हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर अगर सेम है तो उसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, देखो हर एक जगह पे ये देखो ये दो सेम हो गए, ये दो सेम हो गए, ये दो सेम हो गए तो कॉन्टिन्यूस हो गया ना, अच्छा यहां पर सेम था क्या, नहीं था सर, लेकिन यहां पर सेम हो गया, हाँ तो बात खत्म। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब निकालेंगे तो इसको हम यूज नहीं करने वाले, इसको मैंने क्रॉस करूंगा लेकिन आपको एग्जाम में इसको क्रॉस नहीं करना है, रिमेंबर जो मैं रेड पेन से लिखता हूँ वो एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया फिर स
सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर, इसमें हम कुछ नहीं देखते, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर एंड में होगा 59.5 तो वो यहाँ पर लिखा, और सबसे छोटा जो नंबर होगा ये 9.5 है। हो गया, फिर हमें पहले क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल कितना है हमारा 59.5 माइनस 9.5, कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर में डालना इसका कितना आएगा, आई थिंक 50 आएगा, राइट। तो यही हमारा आंसर है, रेंज इज इक्वल टू 50। ओके ओके सर, समझ गए। और दूसरा जो होगा, हाँ एक चीज याद आएगी, कहीं पर हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में भी स्मॉल सिली मिस्टेक हो सकता है, राइट, जब मैं यहां पर सॉल्व करता हूँ लाइव। आई थिंक कहीं पर, आई थिंक मैट्रिसेस में कहीं पर ऐसा 13 × 5 मैंने शायद 60 लिखा है, तो वो क्या होता है 65 होता है। तो कमेंट्स आए थे मुझे, इसलिए मुझे याद आया। तो वो जो चीजें हैं 13 × 5 60, वो तो नजर अंदर से कहीं पे हो सकता है, ठीक है, तो वो जानबूझ के नहीं किया होगा, ठीक है। तो उतना तो आप समझ सकते हो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, शायद मुझे इतना बड़ा लंबा कहीं 9-10 सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, बराबर। ओके सर, समझ गया। तो दूसरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। उसका फॉर्मूला लिखते हैं, एल माइनस एस एल प्लस एस, वो तो बच्चों वाला हो गया, इसमें क्या बताने लायक तो कुछ है नहीं रहा अभी। 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5, ये मुझे नहीं आता, ये मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, 0.724 ही आया था, आई थिंक पिछली बार भी यही आया था हमारा सर, 0.724, ठीक से लिखता हूँ इसको, ओके 0.724, इसको यूनिट वगैरह नहीं देना, राइट। तो दिस इज फाइनल आंसर। तो ये चार मार्क के लिए सवाल आता है यार, सच में सोचो यार, चार मार्क के लिए इतना आसान सवाल, चार मार्क के लिए, आई थिंक 3 मार्क के लिए आता है, 3 या 4 मार्क के लिए जरूर आएगा आपको लास्ट क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्मूला तो वही है, बस आपको ये डिसकंटिन्यूअस है तो आपको, और हर एक चीज़ में यही करना पड़ेगा आपको, चाहे डेविएशन निकालना हो, मेन डेविएशन स्टैंडर्ड, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर करते हैं अगला सवाल।